ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में 6 अप्रैल को आ गए हैं और यहाँ रहेंगे ये 2 मई तक। ये गोचर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शुक्र की अपनी राशि है। सूर्य और चंद्र को छोड़ के बाकी सब ग्रहों को 2-2 राशियां दी गई हैं और सूर्य और चंद्र के पास एक राशि है। एक राशि हर ग्रह की मूल त्रिकोण की राशि होती है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल और पॉजिटिव होती है, और दूसरी राशि होती है। वृषभ राशि शुक्र की मूल त्रिकोण की राशि नहीं है, तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण की राशि है। वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली की दूसरे भाव की राशि है। जो हम अपने सुख साधनों के लिए सामान जोड़ते हैं ना, कार, लग्जरी चीजें, सोना, पैसा, ऐश्वर्य वाली चीजें करते हैं, वो सारी की सारी इसमें आती हैं। और तुला राशि शुक्र की सुंदरता से जुड़ी हुई राशि है, जो कि कला, संगीत, रिदम, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म स्टार्स, इनसे जुड़ी हुई। और वृषभ राशि जो हम अपने ऐश्वर्य के लिए सामान खरीदते हैं उनसे जुड़ी हुई। तो इस समय लोगों का ध्यान ज्यादा अपने एसर्ट्स को लेने में रहेगा। लोग सोचेंगे हम ये भी खरीद लें, हम वो भी खरीद लें, हम अपना पैसा कहाँ लगाएं, इस तरीके की मेंटालिटी ज्यादा रहेगी। जिनका लग्न शनि का होता है, मकर का या कुंभ का, उनके लिए शुक्र योग कारक होते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला ग्रह योग कारक होता है। अगर शुक्र अपनी राशि में आए हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया होगा। मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए, जो शुक्र के लगन के व्यक्ति हैं, चाहे तुला हो चाहे वृषभ हो, उनके लिए भी गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर वृषभ लगन है तो लगन में ही शुक्र आ गए तो उनको पॉजिटिव बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, जो वो चीजें करना चाह रहे थे उसके लिए एक बेटर टाइम बनाएगा। और अगर तुला लगन है तो वहां शुक्र अष्टमेश हो गए। अष्टमेश हमारी पैतृक संपत्ति का भी होता है, अचानक से मिलने वाले लॉटरी वाले पैसे का भी होता है, छुपे हुए पैसों का भी होता है। तो तुला लगन वालों के साथ हो सकता है कि अचानक उनको कोई धन लाभ हो जाए, कोई फायदा हो जाए। ये वाला गोचर हमें धन से जुड़ी हुई चीजें, ऐश्वर्य से जुड़ी हुई चीजें देने वाला बन जाता है। और जो शनि लगन वाले लोग हैं, उनके कुछ रुके हुए काम जो काफी समय से वो सोच रहे थे कि हो नहीं रहे, वो इस समय पे हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें उनकी इस समय पे बनने वाली हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में आ जाता है तो अपने तत्वों को ज्यादा बढ़ा देता है, तो इस समय जो शुक्र है वो अपने इन तत्वों को ज्यादा बढ़ा देगा और लोगों को धन का लाभ भी हो सकता है। कुछ लोगों ने जो शेयर्स में, मार्केट में पैसा लगाया होगा, हो सकता है कि इस समय उनको उस पैसे का लाभ भी हो जाए, कुछ उनको बेनिफिट भी मिल जाए। ये वाला समय धन लाभ का है, चीजें बनाने वाला है, ऐश्वर्य की चीजें बनाने वाला है। उम्मीद करती हूँ गोचर आप सबके लिए अच्छी रहेगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।